में हम आपको बताएंगे कि हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में आपने KOT मींस किचन ऑर्डर टोकन की एंट्री कैसे करनी है और उसकी रिपोर्ट्स कैसे बनेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एंट्रीज में आना है, क्योंकि डेली की जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एंट्रीज में होती हैं। एंट्रीज में आके आपने KOT पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है, न्यू हो जाएगा। न्यू करके आपने डेट आ जाएगी, डेट के बाद एंट्री नंबर आ जाएगा, यहाँ पे KOT नंबर आ जाएगा और यहाँ पे वेटर नेम सेलेक्ट कर लोगे। जो भी आपने वेटर बनाए होंगे लिस्ट में आ जाएंगे, जिस वेटर ने सर्विस देनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सर्विस टाइप क्या है यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लोगे। अगर कस्टमर का पहला ऑर्डर आया है तो उसके लिए हम न्यू KOT सेलेक्ट करेंगे। किस टेबल पे आपने सर्विस देनी है उसको सेलेक्ट कर लोगे, टेबल को जिस पे सर्विस देनी है, ऑर्डर आया है जिस टेबल से। और यहाँ पे कोड आ जाएगा, कोड भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सीधे यहाँ से आप जो भी आइटम का ऑर्डर आया है उसको सिलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिज्जा का ऑर्डर आया है आपके पास, कोड अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे, कितना ऑर्डर आया है क्वांटिटी, तो रेट दे देगा, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। तो एंटर करते हुए हमने इस आइटम को ऐड कर दिया है, इसको भी हम सेव कर देंगे, ओके करेंगे। अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना है या प्रिंट करना है तो उसके लिए यस करेंगे। तो इस तरह से आपके पास प्रिंट भी आ जाएगा। ये फॉर्मेट टेम्परेरी लगाया हुआ है, जैसा भी आप प्रिंट चाहें, फॉर्मेट वगैरह चाहेंगे, उसका डिज़ाइन हो जाएगा। तो अभी इसको क्लोज कर देंगे हम। इसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर आता है उसी कस्टमर का, तो उसके लिए फिर से हमने KOT पे आके एंटर करेंगे हम। यहाँ हम नेक्स्ट ऑर्डर के लिए नेक्स्ट KOT सिलेक्ट करेंगे। अगर एक ही टेबल से दूसरा ऑर्डर आता है तो नेक्स्ट KOT हम सिलेक्ट करते हैं। तो जो भी टेबल बिजी होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, तो जिस टेबल पे नेक्स्ट ऑर्डर आया है उसको सिलेक्ट कर लोगे। जैसे ये 101 टेबल पे दोबारा से ऑर्डर आया है, हमने एक और आइटम भेजनी है, मान लीजिए उन्होंने कॉफ़ी कप ऑर्डर किए हैं 2 कप, और यहाँ पे एंटर करेंगे इसको भी। तो इस तरह से नेक्स्ट KOT को भी आप डाल सकते हो सॉफ्टवेयर में। अभी इसको भी हम सेव कर देंगे। अगर आपने रनिंग KOT देखना है तो ऐसे करके यहाँ पे रनिंग KOT भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टेबल बुक हैं, अभी KOT जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अभी इसको सेव कर देंगे हम, ओके करेंगे। तो अभी हमें एक KOT और बना लेते हैं, कर लेते हैं एंट्री। यहाँ से भी KOT को आप सेलेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट दिए गए हैं। तो यहाँ से एंटर करेंगे, एंट्री नंबर आ जाएगा, KOT नंबर आ जाएगा, वेटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सर्विस टाइप क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम दोबारा से न्यू KOT सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल जो 101 नंबर का टेबल है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि वो अभी बिजी है। इस वजह से लिस्ट में से जो भी बिजी होंगे टेबल वो दिखाएगा नहीं सॉफ्टवेयर। तो न्यू KOT आई है, नया कस्टमर आया है, उसके लिए नया बुक हो गया है टेबल, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, जो भी उसने आइटम मंगवाई है, ऑर्डर की है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ पे 1 क्वांटिटी उसने स्प्रिंग रोल मंगवाया है तो ऐड कर देंगे। इसी तरह से इसको भी हमने सेव कर देना है, ओके करेंगे। प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल नो कर रहे हैं हम, इसी को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आपने KOT की एंट्री करनी है। तो अभी इसकी आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो, इसकी रिपोर्ट बन चुकी है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आके आप KOT लिस्ट चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी KOT हमने की है, ओके करेंगे। तो डेट वाइज आप चेक कर सकते हो, उस डेट की जो भी एंट्री की होंगी आपने वो सारी आ जाएंगी आपके पास, लिस्ट उसकी डिटेल आ जाएगी कि किस वेटर ने सर्विस दी थी, कौन कौन से टेबल नंबर पे दी थी, क्या क्वांटिटी थी, क्या अमाउंट था, सारा इसका भी टोटल, पूरे का पूरा टोटल बन के, ग्रैंड टोटल बन के आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे आप जो भी जिस KOT के बिल बन चुके हैं उसको आप क्लियर पे टिक लगा के ओके कर दोगे तो वो आ जाएंगे सारी लिस्ट आपके पास, जिसके बिल बन चुके हैं वो KOT लिस्ट आ जाएगी। और जो KOT आप चाहते हो कि बिल नहीं बने हैं तो अनक्लियर पे टिक लगा के देख सकते हो। अगर दोनों देखना चाहते हो तो दोनों पे टिक लगा के ओके कर दोगे तो वो सारी लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, किसी अगर पर्टिकुलर सर्विस को आपने सर्च करना है, अगर आपने सिर्फ टेबल सर्विस को ही देखना है तो टेबल सर्विस सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हो KOT की लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय है, वेटर है हमारा, इसके थ्रू कौन कौन सी KOT इसने दी है, सर्विस दी है, वो देखना चाहते हो तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से ये भी सारी, बहुत सारी जो ऑप्शन दी गई हैं, एंट्री नंबर, KOT नंबर, टेबल नंबर, रूम नंबर, ये सारे सर्च के लिए दिए गए हैं। किसी भी तरह की KOT को आपने सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हो, इसको प्रिंट की ऑप्शन भी दी गई है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। इसके अलावा डिस्प्ले में आप जो है KOT रजिस्टर भी आप चेक कर सकते हो, सारी डिटेल इसमें भी आ जाएगी। तो अभी हमने KOT की एंट्री की है, अभी हम जो है बिल बनाएंगे।
तो बिल बनाने के लिए फिर से हमने एंट्री में आके बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, डेट डालेंगे, बिल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जिस सर्विस का आपने बिल बनाना है उसको सिलेक्ट करोगे। जैसे हमने टेबल सर्विस की एंट्री की थी तो टेबल सर्विस सिलेक्ट करेंगे। तो जो जो भी टेबल्स पर KOT चल रही थी, हमने एंट्री की हुई है, बिजी है टेबल, वो टेबल दिखा देगा आपको। जिस टेबल का आपने बिल बनाना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ से मैंने 101 नंबर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही सॉफ्टवेयर ने आपको डिटेल दिखा दी है कि इसकी क्या क्या आइटम थी, क्या क्या ऑर्डर किया था, किस वेटर ने सर्विस दी थी, ये भी दिखा दिया। यहाँ पे इसने नंबर ऑफ KOT 2 है इसके। अगर ये जो कस्टमर है आपका कोई स्पेशल गेस्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, गेस्ट का नाम दे दोगे यहाँ पे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, रिमार्क्स में कुछ इसके रिगार्डिंग नोट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट भी, इसको परसेंटेज में डिस्काउंट भी दे सकते हो इस कस्टमर को। मान लीजिए आपने 10% जो है डिस्काउंट देना है इस कस्टमर को, तो 10% के हिसाब से ये अपने आप कैलकुलेट कर देगा सॉफ्टवेयर। इसने कम डिस्काउंट अमाउंट में अपने आप यहाँ पे बता दिया है 10% निकाल के सॉफ्टवेयर ने। तो इसका जो है नेट अमाउंट इतना बन गया है। अभी हमने इससे पेमेंट लेनी है तो यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी अमाउंट बना है आप कैश अमाउंट में डाल दोगे उसको यहाँ पे। तो पेमेंट आपको कस्टमर कार्ड के थ्रू कर रहा है या फिर बैंक के थ्रू कर रहा है, उसी हिसाब से आपने जो ये ऑप्शन है आपने फिल कर देनी है। तो अभी इसे हम ओके कर देंगे, इसके बाद सेव कर देंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यस करेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है बिल बनकर आ जाएगा कस्टमर का, सारे डिटेल आ जाएगी, उसका GST वगैरह ऐड होके आएगा। तो ये फॉर्मेट टेम्परेरी लगाया हुआ है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हो बिल को। अभी इसको क्लोज कर देंगे। इस तरह से आपने बिल बनाना है कस्टमर का। अभी हम बिल की भी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे डिस्प्ले में, आके बिल बुक चेक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो जो भी बिल बना होगा उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये दिखा दिया सॉफ्टवेयर ने कि टोटल इतना अमाउंट था, डिस्काउंट हमने ये दे दिया था कस्टमर को, तो टोटल नेट अमाउंट ये आ गया था हमारा। जो भी लिस्ट बनेगी, लिस्ट में से किसी भी कस्टमर को, किसी भी बिल को आपने सर्च करना होगा तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शन दी गई हैं आपको। अगर आप सर्विस के जो भी सर्विस टाइप है उसको, पर्टिकुलर को सर्विस को देखना चाहते हो, आप मान लीजिए आपने सिर्फ टेबल सर्विस का देखना है कि जो भी बिल बना है, तो आप टेबल सर्विस सेलेक्ट कर लोगे। अगर किसी वेटर का देखना है कि इस वेटर के थ्रू कौन कौन से बिल हमने बनाए हैं, तो वेटर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। गेस्ट का नेम दे सकते हो, बिल नंबर, मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो। ये सारी जो ऑप्शन हैं वो सर्च करने के लिए दी गई हैं आपको। तो किसी के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो रिपोर्ट में से। तो इसको भी क्लोज कर देंगे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर आपको वो KOT दिखाए कि जिसका बिल बन चुका है, तो उसके लिए आपने क्लियर KOTs पे टिक लगाना है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा कि कौन कौन सी KOT का बिल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जिसका अभी बिल नहीं बना है, अनक्लियर है KOTs, उसको, उसकी लिस्ट देखनी है आपने, तो उसको आपने टिक लगाना है, यहाँ से ओके कर देना है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा लिस्ट। तो इस तरह से ये भी आप चेक कर सकते हो। अभी हम क्लोज कर देते हैं इसको। तो इस तरह से आपने KOT की एंट्री करनी है और उसका बिल बनाना है, उसकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो डिस्प्ले में। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।